और इनका इस पूरे अपराध में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब यह था कि जो भी कृत्य किया गया वो जो आर्म्स क्लर्क था जो श्रीवास्तव जी जो मर गए दौरान मुकदमा जिनको भी इसमें सह मुलजिम बनाया गया था चूँकि वो आ, दौरान मुकदमा मर गए इसलिए उनकी प्रोसीडिंग खत्म हो गई और वो कहे कि कन्विक्शन तीन सौ तीन में जाएगा मतलब कि ये जो सजा यहाँ सुनाई जा रही है वो यहाँ न सुना करके वापस ट्रायल कोर्ट जो गाजीपुर है चूंकि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ ये जो भ्रष्टाचार निवारण के तहत चूकी धाराएं थी उसके तहत ये मुकदमा चल रहा था चूंकि उसमें एक्विटल हो गया लिया जाएगा मुकदमा जाना चाहिए ये वो कह रहे थे लेकिन जो राज्य के अधिवक्ता थे जो सीबीसीआई के अधिवक्ता उदय राज शुक्ला और ए डी जी सी विनय सिंह आलोक श्रीवास्तव उन्होंने जो कहा मैक्सिमम सेंटेंस की मांग की थी और मैक्सिमम सेंटेंस की मांग इस आधार पर की थी कि उनको सात मामलों में कन्विक्शन हो गया है और जो कन्विक्शन हुआ जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही वो डिफरेंट कोर्ट में और डिफरेंट जिले में मतलब ये अंतर्राज्यीय गिरोह का अपराधी है इसलिए इनको जो है और बीस मामले अभी और लंबित हैं सात मामलों में सजा हो चुकी है बीस मामले अभी और लंबित हैं बहुत बड़ा अपराधी इतिहास है एक सुप्रीम कोर्ट की नजीर भी दी है जिसके तहत इनको आ, मतलब सजा जी बताइए कि जो धारा के अनुसार आप कारावास करवा, बता रहे हैं जैसा तो जुर्म के आधार पर बताइए कि कौन-कौन से जुर्म के आधार पर कितना उनको सजा हुई देखिए 420 में सात वर्ष की सजा है 420 सौ बीस में तो दो धोखाधड़ी दो फ्रॉड जो है उसको एलोबरेट करने में थोड़ा समय लगेगा तो इसमें सात वर्ष की सज़ा है चार सौ सड़सठ मतलब फैब्री किसी मतलब दस्तावेज का फैब्रिकेशन करना उसमें आजीवन कारावास है उसको असल के तरह इस्तेमाल करना चार सौ अड़सठ भी उसी लाइट में है और तीस आर्म्स एक्ट में मतलब कोई इनिगल वेपन्स रखना मतलब कि जो है उसको चूँकि उनका लाइसेंस फर्जी था तो जो वेपन अच्छा इसमें एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट बातें कही गई थी जो उन्होंने कहने का प्रयास किया था कि डिफेंस लाइर ने कि जो आर्म्स खरीदे गए थे उनको क्रय करने का कोई साक्ष्य नहीं था क्रय करने का मतलब जो जो डबल बैरल गन की लाइसेंस प्राप्त की गई थी उसको क्रय करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पे नहीं था विक्रय करने की इंट्री मिल रही है मतलब वो जो डबल बैरल गन खरीदी गई वो कहाँ से खरीदी गई इस बात का कोई एविडेंस पत्रावली पर नहीं है विक्रय करने का है तो इसलिए उनको कमतर सजा देने की मांग की गई थी डिफेंस लायर सिन्हा त्रिपाठी द्वारा लेकिन उदय राज शुक्ला सी के वकील विनय सिंह ए आलोक श्रीवास्तव एस पी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्र, ने ये कहा कि चूंकि इन्होंने बहुत गंभीर अपराध किया है जान कर किया है और ये आदतन अपराधी हैं इनका तमाम आपराधिक इतिहास है मनबल है इसलिए जो है इनको जो है मैक्सिमम सजा दिया तो आपको बता दें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है एमपीएमएलए कोर्ट ने कल मुख्तार को दोषी ठहराया गया था और आज सजा सुनाई गई है तो मुख्तार अंसारी जो कि एक और मामले में पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है और उसको अब एक बार फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी और अब फर्जी शख्स लाइसेंस के मामले में दोबारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई उन्नीस का यह मामला है जब एक फर्जी शख्स लाइसेंस जो है मुख्तार अंसारी ने बनवाया था उस दौरान के जो कलेक्टर हैं उसका भी इसमें अहम रोल था और इस घेरे में उसको भी शामिल किया गया था और आपको बता रहे मुख्तार अंसारी को अब आजीवन कारावास की सजा दोबारा सुनाई गई है और दो लाख दो हजार रुपए तकरीबन उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा और एम पी कोर्ट ने कल मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया था और आज मुख्तार को छत्तीस साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो बड़ी खबर आपको बता रहे हमारे सहयोगी सुशांत लगातार आपको सुना रहे थे वो प्रक्रिया जो अधिवक्ता के द्वारा बताया जा रहा था कि किस तरीके से कितने साल उनको रहना पड़ेगा और कितना जुर्माना उनको देना पड़ेगा तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है साल पुराना ये शख्स का फर्जी लाइसेंस से जुड़ा मामला है और इसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है दूसरी बार आजीवन कारावास की सज़ा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है तो अब मुख्तार अंसारी के वकील क्या अब हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे ये देखने वाली बात होगी क्योंकि एम पी कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया है और आजीवन कारावास की सज़ा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है तो 36 साल पुराने मामले में मुख्तार को सज़ा सुनाई गई है आजीवन मुख्तार अंसारी को अब जेल में रहना होगा